एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे जैसे ईद पास आती जा रही है, आपके कमेंट्स और रिक्वेस्ट भी बढ़ते जा रहे हैं कि पूजा ईद आने वाली है, कुछ ऐसा बताओ जिससे कि फेस एकदम से खिल जाए, निखर जाए, जो टैन है, जो डलनेस है वो एकदम से दूर हो जाए। तो आज आपके लिए जो रेमेडी या नुस्खा लेकर के आई हूँ, ना तो उसका कोई खर्चा है और ग्लो और रेडियंस इतनी देगा कि आपका डायमंड गोल्ड फेशियल भी, हाइड्रा फेशियल भी उसके सामने फीका लगेगा। यकीन नहीं आता तो एक बार इस वीडियो को देखिए और इस प्रोसेस को करके देखिएगा, आपको खुद महसूस होगा वो ग्लो, वो रेडियंस जो कहीं खो गया था। बहुत सारे लोग कहते हैं कि पूजा जैसे जैसे एज बढ़ती जा रही है, स्किन डल पड़ती जा रही है, काला होता जा रहा है, सांवला होता जा रहा है रंग, तो आपकी पुरानी रंगत, पुराने वाला ग्लो और रेडियंस वापस लेके आएगी ये रेमेडी। एंड खर्चा कुछ है नहीं, आप सोच भी नहीं सकते हो, जो चीज़ आप फेंक देते हो कूड़ा समझ के, बेकार समझ के, उससे आपका फेशियल हो सकता है, आपके फेस पर निखार आ सकता है। जी हाँ, गर्मियों का सीज़न है, खरबूजा ये सबके घरों में आता ही होगा, ठंडक और मिठास से भरा ये खरबूजा हमारे शरीर को तो ठंडक देता ही है, लेकिन स्किन के ऊपर जो कमाल धमाल कर सकता है ना, वो आप सोच भी नहीं सकते हो। और खरबूजा नहीं, खरबूजे के बीज इस फेशियल में हम यूज़ करने वाले हैं। इनको हम आजकल कूड़ा समझ के फेंक देते हैं, पुराने ज़माने में मुझे खुद याद है बचपन में हम ये बीजों को धो के सुखा के और फिर खाया करते थे। कोलेजन रिच होते हैं, बहुत अच्छे से आपकी स्किन की झुर्रियों और झाइयों को दूर करने में सक्षम है ये बीज। साथ ही साथ ये जिस गूदे में लिपटे हुए होते हैं वो आपकी स्किन की सारी टैन और डलनेस को दूर करता है। बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं इन खरबूजे के बीजों में, फ्रेश बीज जिनमें गूदा लगा हो अमेजिंग रिजल्ट्स देते हैं आपकी स्किन को निखारने में, संवारने में। बिल्कुल अगर टैन है जो किसी भी चीज़ से नहीं जा रहा है, वो इन खरबूजे के बीजों से चला जाता है, और इसका गूदा तो बिल्कुल आपकी स्किन की फ्रेश लेयर को बाहर निकाल के लेके आता है। तो चलिए बताती हूँ ये फेशियल कैसे करना है, कैसे यूज़ करना है। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा मेरी मोटिवेशन के लिए, मेरी इंस्पिरेशन के लिए। ऑलरेडी लाइक कर दिया है तो आपको मेरी तरफ से ढेर सारा प्यार, ढेर सारी दुआएं, आई एम श्योर मेरी दुआएं आप तक ज़रूर ज़रूर पहुंच जाती हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे फेस की क्लेंजिंग। कच्चा दूध मैंने लिया है, कच्चा दूध अमेजिंग तरीके से आपके फेस पर वर्क करता है। आप चाहे फेस वॉश से फेस वॉश कर लें, उसके बावजूद भी जब आप कच्चे दूध से अपने फेस को क्लीन करेंगे तो बहुत सारी डर्ट, डस्ट, इम्प्योरिटीज़ आपकी बाहर निकलेंगी। तो दिन में एक बार कच्चे दूध से वैसे ही क्लीन कर लिया करो अपने फेस को, और इस रेमेडी से पहले तो बिल्कुल करना है, बिकॉज़ ये आपके स्किन को फेशियल के लिए तैयार करेगी। तो इस तरीके से हमने बहुत अच्छे से दूध को यूज़ करके अपनी स्किन को डीप क्लेंस कर लेना है। दूध अगर रॉ नहीं है तो उबला हुआ और ठंडा किया हुआ दूध भी आप ले सकते हो, ठीक है। इस तरीके से बिल्कुल डीप पोर क्लेंजिंग हो जाती है आपका, एक एक पोर, एक एक रोम छिद्र इससे क्लीन हो जाता है। तो ये स्टेप बिल्कुल नहीं भूलना है, और अच्छे से अपनी स्किन को आपने क्लीन कर लेना है। अब क्या करेंगे, अब हम लेंगे खरबूजा, क्योंकि खरबूजे की ये स्किन पॉलिशिंग रेमेडी है। तो खरबूजा लिया, इसको कट कर लीजिए और इसके हाफ के जो बीज हैं वो आप अलग कर लीजिए। हमें सिर्फ बीज ही चाहिए इस फेशियल के लिए, खरबूजा आप खा लीजिए। इसीलिए मैंने कहा था कि कूड़ा समझ के फेंक देते हो लेकिन आपके फेस को निखारता है ये। तो स्कूप आउट कर लिया इसको मैंने, अब इसे हम डालेंगे मिक्सी के जार में, अच्छे से पीस लेंगे, महीन पेस्ट बना लेंगे, जितना महीन कर सकते हो कर लेना, और चाहो अगर तो कपड़े से छान भी सकते हो, लेकिन मैं ऐसे ही यूज़ कर लेती हूँ। अगर आपको बहुत फाइन पेस्ट चाहिए तो आप कपड़े से छान लेना पीस के। अब इसमें दो चीज़ें सिर्फ और ऐड करनी है जो आई एम श्योर आपके सबके घर पे है। पहली चीज़ है ये कॉफ़ी का सैशे, पहली चीज़ है ये कॉफ़ी। कॉफ़ी ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाएगी, टैन भी रिमूव करती है और आपकी स्किन के दाग धब्बों को भी लाइटन करती है। कॉफ़ी में एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं, तो ये पूरा सैशे एक रुपये वाला मैंने डाल दिया है। दूसरा इंग्रेडिएंट है शहद, शहद भी ढेरों एंटी ऑक्सीडेंट्स का खजाना है, आपकी स्किन को प्लम्प बनाता है, यूथफुल बनाता है, और साथ ही साथ जितने दाग धब्बे हैं उनको भी कम करने का काम करता है। मॉइस्चराइजिंग एजेंट है शहद, आपकी स्किन के अंदर मॉइस्चर को लॉक कर देता है, और इस समर्स में जब हमारी स्किन बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेटेड रहती है हमेशा, तो एक अच्छा मॉइस्चराइजिंग एजेंट हमारी स्किन केयर में ज़रूर होना चाहिए। तो शहद को बिल्कुल यूज़ करेंगे, इन तीनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे और ये बन गया आपका फेस पॉलिशिंग पैक। इसे आप किसी भी ओकेजन के लिए यूज़ कर सकते हैं, पार्टी में जाना है, फंक्शन पर जाना है, या फिर वैसे स्किन बहुत डल पड़ गई है, या ईद से पहले, तैयार होने से पहले,
जस्ट ये पैक आपने इस तरीके से लगाया, अच्छे से लगा लीजिए। कॉफ़ी और खरबूजे की जो महक है वो वैसे ही आपकी सेंसेस को कूल एंड काम करती है, तो इस तरीके से पूरे फेस पर आपने एक थिक लेयर लगानी है इसकी। इसको आंखों के नीचे वाली जगह पर जहाँ पे आपके डार्क सर्कल्स हैं वहाँ भी लगा सकते हो, आपके डार्क सर्कल्स को रिड्यूस करेगा। और बहुत ही कूलिंग पैक है ये, स्किन अगर बिल्कुल झुलस गई है गर्मियों में तो आपकी स्किन को कूल एंड काम करेगा और सूदिंग फीलिंग देगा। एंड ये आपने लगा लिया, इवन ये जो आईज़ का ऊपर वाला एरिया होता है ना, इस पर हम कुछ भी अप्लाई नहीं करते, छोड़ देते हैं। यही कारण है कि ये एरिया भी ब्लैक पड़ने लगता है, डिहाइड्रेटेड रहने लगता है। तो यहाँ भी ये पैक लगाओ और अच्छे से हर जगह स्प्रेड कर लेना है इस तरह से। गर्दन को नहीं भूलना, गर्दन भी आपके फेस का पार्ट है। तो अच्छे से आपने लगा लिया ये फेस पैक, लगा के आपने 20 मिनट के लिए रखना है। तो ये फेस पैक लगा लिया, 20 मिनट के लिए रखेंगे और 20 मिनट के बाद चेहरा धोएंगे। मैं आपको 20 मिनट के बाद मिलती हूँ। आराम से लगा के बैठिए इसको, टीवी देखिए, सो जाइए, और उसके बाद जब आप उतारेंगे तो आपको लगेगा कि एक पुरानी लेयर आपकी स्किन से उतर गई है और स्किन पर बहुत ही ज़्यादा फ्रेशनेस आ गई है, ग्लो आ गया है। तो 20 मिनट के बाद आपने इस तरह से हल्की हल्की मसाज करनी है। अभी ये मेरा पूरी तरह से सूखा नहीं है, बट अगर आप बहुत ज़्यादा ड्राई एरियाज़ में हैं तो ये पूरी तरह से सूख जाएगा। और देख रहे हो आप नीचे से स्किन कितनी शाइन कर रही है, कितनी ग्लो कर रही है। सर्कुलर मोशन में मसाज की, और उसके बाद आप पानी से चेहरे को धो दीजिएगा। एंड मैं अभी धो के दिखाती हूँ आपको कैसे रिजल्ट्स मिले। लुक एट द रिजल्ट्स, सी द शाइन ऑन माय फेस, एक एक पोर ऐसे शाइन कर रहा है, क्या ब्यूटीफुल से नतीजे मिले हैं। मतलब कोई मेकअप की ज़रूरत नहीं है इस फेस को, ईद के लिए आपका फेस तैयार है। यू नो, आपका फेस ही ईद का जान लगेगा, इतने ब्यूटीफुल रिजल्ट हैं इस रेमेडी के। बिल्कुल ट्राई करना बनता है आज ही, और कैसे रिजल्ट्स मिले ज़रूर मुझे बताइएगा। ईद के लिए सबको शुभकामनाएँ और ढेर सारा प्यार मेरी तरफ से। आज का वीडियो यहीं तक था, कल मिलूंगी एक अमेजिंग सी रेमेडी के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा। बाय बाय।